गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू रेडिशन रोड ऑनलाइन क्लासेज फ्रॉम रेडिशन द स्कूल आई एम आमा जैन क्लास टीचर ऑफ एल के जी स्टूडेंट्स दिस इज योर पी टी टू एग्जामिनेशन वर्क वीडियो सब्जेक्ट इंग्लिश स्टूडेंट्स आपका रिटिन जो पेपर है वो थर्टी मार्क्स का है एंड डिकटेशन आपकी टेन मार्क्स की है ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट यर डेट एंड नेम ऑन एवरी पेज आपको हर पेज पर डेट और नाम ज़रूर लिखना है क्वेश्चन नंबर वन इज़ यूज़ ऑफ दिस और दैट आपको दिस और दैट का यूज़ करना है स्टूडेंट्स डैश इज़ अ ट्री ट्री है तो इसमें मैम ने इस तरह से फिंगर दिखाई हुई है और आपको अच्छे से समझाया हुआ था कि फिंगर आएगी आती है या फिर एरो आता है तो दिस का यूज़ होता है या दैट का यूज़ होता है या आप अच्छे से सोच कर यहाँ पर इसको कंप्लीट करोगे ओके बट फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल आप दिस या दैट जो भी यूज़ उस करोगे उसका आपका फर्स्ट लेटर टी यानी कैपिटल होगा और ये आपका फोर मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर टू इज़ यूज़ ऑफ ए एन आपको इसमें ए और एन का यूज़ करा करना है जैसे कि मैम ने पहले आपको समझा रखा है कि वॉवल के पहले क्या आता है और कॉन्सोनेट के पहले क्या आता है ये भी आपके फोर मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ सी पिक्चर एंड राइट आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है एंड यू विल राइट द स्पेलिंग हियर आइडेंटिफाई करके इस यहाँ पर आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है जो आपका फो मार्क्स का है और इसी तरह से इनको भी आइडेंटिफाई करके यहाँ पर स्पेलिंग लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर फोर इज़ यूज़ ऑफ ही और शी यहाँ पर आपको ही और शी का यूज़ करना है पहले पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है कि ही की पिक्चर है बॉय की है या गर्ल की है ही की है और शी की है तो ही के साथ क्या यूज़ करना है वो यहाँ पर आप लिखोगे शी के साथ यूज़ करना है वो इस तरह से इनको आइडेंटिफाई करके कंप्लीट करोगे फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल एंड दिस इज़ आल्सो योर फोर मार्क्स वर्क क्वेश्चन नंबर फाइव सर्कल द कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर कुछ कॉन्सोनेंट्स एंड बॉबल्स दिए हुए हैं आपको इसमें से कॉन्सोनेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन पे सर्कल करना है और ये आपका टू मार्क्स का वर्क है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स मैच द फॉलोइंग्स वन साइड पिक्चर्स गिविन एंड सेकेंड साइड इनकी स्पेलिंग्स हैं तो आपको करेक्ट से स्पेलिंग्स को आपको मैच करना है और ये आपको का मार्क्स तो का है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ फिल द मिसिंग लेटर्स आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके इसमें क्या मिस है क्या मैम ने मिस किया है उसको फिल करना है इसी तरह से ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है ये आपका एट मार्क्स का है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर एट डिक्टेशन ऑफ ई एंड ए साउंड ए और ई साउंड की डिक्टेशन आपको बोली जाएगी जैसा कि मैम ने आपको अच्छी तरह से समझा रखा था कि अगर माउथ पूरा ओपन होता है तो वो ए साउंड होता है ओके और इसको हम लंबा खींच कर बोलते हैं देन ई साउंड वर्ड ई साउंड वर्ड हम बहुत जल्दी से बोल देते हैं माउथ भी कम ओपन होता है तो इस आप अच्छे से सुनोगे आइडेंटिफाई करोगे एंड देन यू विल राइट ऐसे ही नहीं करना है अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार पूछ भी सकते हो पर आपको करेक्ट वर्ड करना है कोशिश कीजिए और अच्छा कर पाओगे थैंक यू हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन